बिग बॉस सीजन 11 पहले से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग बनता जा रहा है। शो में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के दामाद कहे जाने वाले कंटेस्टेंट जुबेर खान संडे को घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन बेघर होने से पहले होस्ट सलमान खान ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। और अब बिग बॉस हाउस से बाहर आने के तुरंत बाद जुबेर खान ने सलमान के खिलाफ मानो मोर्चा ही खोल दिया है। आखिर क्या किया जुबेर खान ने, आइए जानते हैं। औकात दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर? अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर? नल्ले डॉन, कसम खुदा की तेरे कुत्ता ने बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान है। सीजन 11 के बिग हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर को शनिवार के वीकेंड वार में सलमान खान पहली बार नजर आए, लेकिन उनका गुस्सा देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई। औकात दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? पहले तो सलमान ने घर वालों की जमकर क्लास ली, और फिर दाऊद की बहन हसीना पारकर के दामाद कहे जाने वाले कंटेस्टेंट जुबेर खान की जमकर क्लास लगाई। औकात दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? जो लगातार घर वालों से मिसबिहेव करते नजर आ रहे थे, सलमान ने साफ कहा कि किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नाम खराब करोगे और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर? नल्ले डॉन, सलमान का सीधा इशारा जुबेर खान की तरफ था, लेकिन बाद में सलमान ने जुबेर खान की ऐसी क्लास लगाई कि देखने वालों के होश उड़ गए। सलमान ने उसे औकात में रहने की सलाह दे डाली, और फिर एक के बाद एक जुबेर को खूब खरी खोटी सुनाई। सलमान खान का गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि जुबेर गलत थे। आखिर काफी हाई वोल्टेज ड्रामेबाजी के बाद जुबेर खान को घर से बाहर कर दिया गया, और घर से बेघर होते ही जुबेर ने सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। जी हाँ, खबरों की माने तो जुबेर ने अपनी शिकायत में कहा है कि सलमान खान ने नेशनल टेलीविजन पर उनसे कहा है कि तेरे को कुत्ता बनाऊंगा, तू बाहर निकल, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वहीं जुबेर ने मीडिया के सामने भी भड़ास निकालते हुए कहा है कि सलमान को बहुत शौक है लोगों की बेइज्जती करने का, लेकिन मैं विवेक ओबरॉय या एजाज खान नहीं हूँ, मैं इसे हल्के में नहीं जाने दूंगा, सलमान ने मेरी छवि खराब कर दी है। तेरी औकात ये है, तेरी औकात ये है, जुबेर खान भूखा रहेगा ना उसको खाना खिलाएगा, तू बीइंग ह्यूमन की बात करता है, तूने अपनी इमेज है ना 2000 कार एक्सीडेंट के बाद चेंज की है, जब तेरे को बोला गया कि भाई तू बहुत बैड बॉय बन गया है तो तूने एक गुड इमेज बनाया, सब रिपोर्ट है हमारे पास, और बीइंग ह्यूमन के नाम पे तू क्या करता है, दिखावा करता है अंदर, तू इंडस्ट्री में क्या करता है, कहाँ पे कौन से भाई के पास जाता है, कौन सी हीरोइनों के साथ जाता है, सब मालूम है, हमारे पास सब रिपोर्ट है। ये बोलना है तेरे को किधर कुत्ता किधर बुलाना है, बुला, मैं चैलेंज देता हूँ, चल वहाँ आता हूँ, अब तू आ जा, बगैर बॉडीगार्ड के आना। आपको बता दें कि जमकर खड़े खोटी सुनाए जाने के बाद जुबेर ने ढेर सारी गोलियां खा ली थी, और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टर की निगरानी में भी रखा गया। इसके बाद जुबेर ने सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बिग बॉस से बेघर हुए कंटेस्टेंट ने सलमान पर गुस्सा जाहिर किया हो, लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज होने का मामला शायद नया है। हालांकि अब तक इस मामले में सलमान खान और चैनल वालों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। यार रिपोर्ट IBC 24। हाय, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर, और प्लीज कीप वाचिंग IBC 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वाचिंग IBC 24। कीप वाचिंग। हाय गाइस, दिस इज नंदीश सिंह एंड यू आर वाचिंग IBC 24। हाय, दिस इज अली फजल, यू आर वाचिंग IBC 24। हेलो, दिस इज संदीप सुपारकर एंड यू आर वाचिंग IBC 24। हाय, माय नेम इज जय सोनी एंड यू आर वाचिंग IBC 24।